हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं दर्द बांटना ही दर्द की दवा है। तो दोस्तों, दर्द बांटना ही दर्द की दवा है, दूसरों का दर्द बांटकर खुद के दुखों से निपाए निजात। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और यह कहानी लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। राशि डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर से चली गई। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रख के बैठ गई। निर्मला ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं राशि चुपचाप उन्हें देख रही थी। सरिता एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें महज 8 लोग एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप यूं मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जरूरतों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। इसकी एवज में उसके ससुराल के लोग भी उसे बेहद प्यार करते थे। अगर सरिता ना होती तो शायद सिंह परिवार अब तक अलग थलग पड़ गया होता। पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। अगली सुबह जग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना सरिता की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाले इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में सरिता से छोटी उसकी लापरवाह देवरानी राशि और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन निर्मला मौजूद थी। घर में उनकी चलती को मान लेने में ही भलाई है। यही कारण है कि वह इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की माँ है। राशि साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, इस वजह उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जगना पड़ता था। वह पढ़ लिखकर अपने जीवन में एक साइकोथेरापिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते सरिता घर के सारे काम में राशि जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात थी, यह कोई बसंत के दौरान सुबह सुबह का वक्त था। निर्मला ने पूजा पाठ करने के बाद सरिता को आवाज दी और बोली, सरिता चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, यह ठंड लग रही है। हम लोग हर सुबह राज के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद सरिता किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताजा हो गई। सरिता उस सुबह को याद कर सीहर उठी जब उसे जगने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसके साथ चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम सरिता कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा जिससे आपको कहानी की हर एक चीजें मालूम हो। और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, होश में आने के बाद सरिता ने तत्काल राशि को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही राशि अपने बिस्तर से उठ गई और 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठे निर्मला को देखकर वह अंदर से काफी सहमी हुई थी। उस वक्त घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। निर्मला खाने में व्यस्त थी। जब उसने अपनी नजरों को उठाया तो देखा कि सामने राशि बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, सरिता को बोलो कि चाय बनाकर बनाए और मुझे भी एक कप दे। राशि डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर से चली गई। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रख के बैठ गई। निर्मला ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं राशि चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी अचानक से बोल पड़ी, निर्मला इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। माँ, आज राशि ने चाय बनाई हो वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची चाय आपकी फेवरेट है। किचन के अंदर से सरिता बोली,
उस वक्त राशि को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और सरिता को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू, अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय नहीं बना पाती भाभी। उस वक्त अगर अपने मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच राशि ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो घर की मालकिन निर्मला खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। राशि ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू राशि, बड़े ही सत्य स्वभाव की निर्मला का मन आखिरकार पिघल ही गया। यह देखकर श्रद्धा का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर आपकी भावना आपके मन मस्तिष्क को कट पहुंचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वह उस भरपाई के लिए पूरी तरह तत्पर थी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें अपने कमेंट का इंतजार रहता है। आप कमेंट करेंगे तो हम इस तरह की और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपके लिए इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।